रेसपेक्टेड भिवार्स एंड माइ डियर फ्रेंड्स, राज्य सरकार यूपीएस पेंशन स्कीम इम्प्लीमेंटेशन करिबोने नाई कौन कौन राज्य सरकार इम्प्लीमेंटेशन गई आसे कौन कौन प्रथम राज्य जी अलरेडी इम्प्लीमेंटेशन करिसे भिडियोर जगते आलोचना करिम लगते यूपीएस इम्प्लीमेंटेशन हले एन पी एस कर्मचारी यूपीएस केनेक लब माने ताते स्विच केनेक करिब एंड एन पी एस जमा हुआ टका कत जा प्रश्न तो बहुत करिसे नेक्स्ट कि कह प्रिभियास भिडिओ तो ये प्रश्न एन्सार दी चेस्टा करम सो भिडिओ शेषलैक सब एंड वन रिक्वेस्ट टू यू चेनेल नतुन हमें सबसक्राइब कर दी सो लेट्स स्टार्ट द भिडिओ सो रेस्पेक्टेड भिवार्स कौन कौन राज्य यूपीएस इम्प्लीमेंटेशन गई आसे और प्रथम तो भारत भर प्रथम कौन तो राज्य जीटू अलरेडी इम्प्लीमेंट करिसे या प्रथम राज्य हिसाब से इम्प्लीमेंट करिसे महाराष्ट्र महाराष्ट्र इतिम्य डिक्लेयर दिसे जे यूपीएस इम्प्लीमेंटेशन करक नेशनल लेवल न्यूज या यूपीएस प्रधान क्राइटेरिया लगते यूपीएस लागू करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र तार माने महाराष्ट्र राज्य इतिमध्ये यूपीएस इम्प्लीमेंटेशन कर दिसे जो केन्द्रीय सरकार आगते कही जिको राज्य ये स्कीम तो लब पारे तो इतिमध्ये महाराष्ट्र ये स्कीम तो अलरेडी इम्प्लीमेंटेशन कर दिसे आमार अखम केतिया करिवो सो या सब यूनिफाइड पेंशन स्कीम की हाइलाइट्स हाइलाइट्स की आसिल लक्ष्य केंद्रीय सरकारी कर्मचारी के लिए स्थिर पेंशन योजना गारंटी पेंशन योजना यू है एकदम सचा कथा ये गारंटी पेंशन योजना जो मैं एन पी एस गारंटी ना ये गारंटी पेंशन योजना लागू के एक अप्रैल 2025 पात्रता की आसे सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारी एन पी एस ग्राहकों के लिए स्विच का विकल्प है जी प्रश्न कर एन पी एस ग्राहक केनेक यू पी एस जा इत सको डिटेल्स खि दिया आसे न्यूनतम सेवा आवश्यकता 10 वर्ष जो कार दह बस मैं हम तेहले तार बेनिफिट बेसि हम 10 बस ना बेनिफिट कम हम मैं इार योग्यता अर्जुन उपाय हल 10 बस तार पद न्यूनतम पेंशन से 10,000 प्रति माह 10 वर्ष की सेवा पर 10 बस जो क्या चाकरी कर 10,000 टका पर मान्थ गारंटी पा ही तथापि 10,000 टका बेसिक हम और कि हम सेवानिवृत्ति पर एक मुफ्त भुगतान हर 6 महीने की सेवा के लिए वेतन और डीए का 10% पारिवारिक पेंशन भी मिलेगा दिवंगत कर्मचारी को पारिवारिक पेंशन 60% मिलेगा माने कि जी जो कर्मचारी पेंशन पाई आसिल तो जो मृत्यु करे हे पेंशनर 60% पति पत्नी पा माने हजबेंड हजबेंड जो चाकरी हल पत्नी पा और पत्नी चाकरी हमें हजबेंड पा सेवा अवधि के सेवा अवधि और वेतन पेंशन राशि सेवा अवधि और अंतिम आहरित बुनियादी वेतन पर निर्भर माने एतो से बेसिकर ऊपर निर्भर करिवो एनपीएस से स्विच का विकल्प केंद्रीय सरकार कर्मचारी एनपीएस से यूपीएस में स्विच कर सकते हैं हाँ डेफिनेटली करिवो पारे यार प्रोसेस तो मैं कोई दिया से ऑल ऑफिसर तासे राज्य सरकारों का विकल्प राज्य सरकार भी इसे लागू करने का विकल्प रखती है और रखते मैंने इतिमध्ये महाराष्ट्र सरकार यू लागू कर दिसे ये तो सब जे एजन एन पी एस होल्डारे यू पी एस केनेक जा पारे नेशनल पेंशन सिस्टम मैंने एन पी एस में जमा किया गया धन यूनिफाइड पेंशन स्कीम में स्थानांतरित किया जा सकता है ये तो अपना लोगों प्रश्न आसिल मैंने एन पी एस पैसा खी यू पी एस मैं स्थान स्विच कर पारूँ लेकिन कुछ शर्त और प्रक्रियाओं के पालन करना होगा कंडीशन किसान आसे यह कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है कईटामान कंडीशन आलोचना कर लो एक नंबर से एन पी एस और यू पी एस दोनों ही पेंशन योजना है लेकिन यू पी एस एक गारंटी पेंशन योजना है जबकि एन पी एस एक पारिभाषित योगदान योजना है और ये तो आगे आलोचना यू पी एस से गारंटी पेंशन स्कीम और एन पी एस टू अनिश्चितता आसिल मार्केट ऊपर निर्भर करें एन पी एस में जमा किया गया धन यू पी एस में स्थानांतरित करने के लिए आपको यू पी एस के लिए पात्र होना चाहिए और यू पी एस की शर्तों को पूरा करना चाहिए जब यू पी एस कंडीशन आसे
আর ইউপিএসর যোগ্য হব লাগিব তেতিয়াহে এনপিএস কর্মচারীজন ইউপিএসত যাব পারিব। 3 নম্বর শর্তটো কইছে এনপিএস মে জমা কিয়া গয়া ধন ইউপিএস মে স্থানান্তরিত কৰাৰ কিছে পহলে আপকো এনপিএস খাতে কো বন্ধ কৰনা হগা আর ইউপিএস মে নয়ে খাতে খোলনে হোগে। এটো তো ডেফিনেটলি নিয়ম এ এনপিএস যেটো আপোনাৰ নাম্বার আছে হেতু ইউপিএসৰ এটা নতুন নাম্বার আহিব আর এনপিএস টো বন্ধ কৰিব লাগিব আর হে টকাখিনি হে নতুন নাম্বারত জমা দিব লাগিব। एनपीएस में जमा किया गया धन यूपीएस में स्थानांतरित करने के लिए आपको यूपीएस के प्राधिकरण से संपर्क करना होगा और आवश्यक दस्तावेज जमा करना होंगे। ये तो डेफिनेटली ऑफिशियल नियम ऑफिसर की कहे ऑफिसर अथॉरिटी लगत जोगाजोग करिब लागिब और जेखिनि कागज लागे एनपीएस र गोटेखिनि कागज ताते जमा दिब लागिब। ये तो नियम है तथापि ये कंडीशनत पड़े ये आसे। नंबर 5 यूपीएस में स्थानांतरित किया गया धन यूपीएस की शर्तों के अनुसार पेंशन के रूप में वितरित किया जाएगा। हाँ जी एनपीएस टका आसिल हे एनपीएस टका खि जो यूपीएस अपनी हुमाई दिए तेहले यूपीएस रूपान्तरित तो हम और यूपीएस जेनेकवा कंडिशन एप्लाई आसे जेनेकवा पेंशन अपना दिबो ठीक यूपीएस अनुसारे पेंशन तो दिबो। नेक्स्ट एटा नोट दिसे नोट टू साइलक नोट की ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि एनपीएस में जमा किया गया धन यूपीएस में स्थानांतरित करने से पहले आपको यूपीएस की शर्त और प्रक्रियाओं से अच्छी तरह से समझना चाहिए और यदि आवश्यकता हो तो वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए। हाँ ये तो डेफिनेटली अपना लगे करीब प्रथम कथा हल अपनी स्विच करोते ही माने एक्सपर्टर लगत परामर्श करी लोबो इकोनॉमिक एक्सपर्टर लगत परामर्श करी लोबो जदि अपना बहुत दिन चाकरी थाके होय तो अपनी एनपीएस बेनिफिटेड होबो पारे देखते परामर्श करी लोबो आरो जदि ठीक एनपीएस टका खिनि जदि अपनी यूपीएस सोमाबोले माने हुमाय दिए तथापि तो अपनी चिंता भावना करिबो आरो एक्सपर्टर माने ई परामर्श लोबो लागि लोबो आरकि तो यूपीएस एतु कियो परामर्श बार बार लोबो कइसे कंडीशन होइसे कि अपनी जदि यूपीएस एक बार हुमाय जाय आको घुरी किंतु एनपीएस आइबो नोवारिबो तो हे कारणे ए जे एक्सपर्टर सलाह लोबोले कइसे माने परामर्श लोबोले कइसे ते एतिया हल कोन राज्य एतु इम्प्लीमेंटेशन करिबो पारे। প্রথম কথা হল এইটু কেন্দ্রীয় সরকারে যেহেতু ইমপ্লিমেন্টেশন করে দিছে 1 এপ্রিল 2025 পরা ঠিক তেনেকই যেনে মহারাষ্ট্র করে দিছে ঠিক এনেকই মানে আমার বর্তমান যেহেতু ভারত সরকার বিজেপি গভর্নমেন্ট গতি বিজেপি শাসিত স্টেট মানে রাজ্যবিলাকও এই ইউপিএস ইমপ্লিমেন্ট করার সম্পূর্ণ চান্স আছে গতি অসমও আমার ইউপিএস ইমপ্লিমেন্টেশন করার সম্পূর্ণ চান্স আছে। তো কোন স্টেট ইমপ্লিমেন্টেশন করে হেয়া সময় কব তো কথা হল প্রশ্ন আসিল এনপিএস কর্মচারী ইউপিএস কেনেকৈ লব আর সেই এনপিএস টকাখিনি তাত কেনেকৈ সোমাব হোপফুলি আপনার অ্যানসারটা পাইছে। তো আজির ভিডিও ইমানতে হেক করছো। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দ্য ভিডিও ভিডিওটি চার কারণে ধন্যবাদ। ভিডিও ভাল লাগলে লাইক আর শেয়ার করে দিব চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিব। থ্যাংক ইউ সো মাচ।